भोपाल के कोलार में कोरोना को ध्यान में रखते हुए फ्री डेंटल और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्देश्य कोरोना की इस महामारी में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के साथ मुस्कुराता भारत रहा। कोलार में आयोजित फ्री हेल्थ चेकअप में पहुंचे लोगों ने इसका जमकर फायदा उठाया। इस दौरान कई मरीजों के हेल्थ का चेकअप किया गया और लोगों को स्वस्थ रहने के गुर सिखाए गए। कैंप में डॉक्टरों की बड़ी टीम मौजूद रही जो अपने कार्यों में माहिर माने जाते हैं। वहीं डॉक्टर अभिजीत पांडे ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है, जिससे देश को एक स्वस्थ और मुस्कुराता भारत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे लोग अपने दांतों, बाल और स्किन को थोड़ी सी मेहनत और दवाइयों से स्वस्थ बना सकते हैं। कैंप में कोरोना के दौरान अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभिषेक मिश्रा का जन्मदिन भी मनाया गया। अभिजीत ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी करीब एक महीने से की जा रही थी, जिसको सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। हमने व्यापक रूप से जो कैंप लगाया था, जिसके लिए हमने सतत एक महीने से तैयारी कर रहे थे, जो अभिषेक मिश्रा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में था। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और एक मुस्कुराता भारत देने के लिए हमने ये कार्य किया था, जिसमें इन्होंने कोविड टाइम में जिस तरीके से आगे आकर पूरे समाज में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, सैनिटाइज़र और इस सब के लिए किया। उसके बाद हमने कोविड ख़त्म होने के बाद एक सौहार्दपूर्ण यूनिटी बनाकर हमने एक कार्यक्रम किया कि जिसके इतने लंबे अरसे के बाद जो डाउन टाइम था उसका ख़त्म होने के बाद हम इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।